हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। तो एज फार एज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये रिवर जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। और रिवर गंगा डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा कि हम क्या क्या इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। वो है, सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी लेफ़्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद ये रिवर जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद ये किस किस स्टेट से रिवर गंगा पास होती है ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो सिटीज़ आती हैं ये रिवर गंगा पे, कौन कौन सी सिटीज़ हैं और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज पे कौन कौन सी सिटी हैं वो हम देखेंगे। और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी आते हैं। और एट लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ट्रिक कि हमें ये याद कैसे करनी है। उसके लिए हम हमारे जो फंडे हैं वो यूज़ करेंगे। और जो ट्रिक होंगी वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में रहेंगी, ऐसा नहीं कि आगे पीछे, एक प्रॉपर सीक्वेंस में रहेंगी। और लेफ़्ट के लिए हम अलग ट्रिक रखेंगे और राइट ट्रिब्यूटरीज के लिए हम अलग ट्रिक रखेंगे। ओके, उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ये पॉइंट आपका मान लीजिए गंगोत्री ग्लेशियर है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसको हम बोलते हैं भागीरथी। शॉर्ट स्पेलिंग्स पे मत जाइए, मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। और भागीरथी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है जिसको हम बोलते हैं टिहरी डैम। और टिहरी डैम के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है। तो यहाँ से भागीरथी आई, इधर से एक जगह है जिसको हम बोलेंगे सतोपनाथ ग्लेशियर। यहाँ से एक रिवर आती है जिसको हम बोलते हैं अलकनंदा। और ये दोनों रिवर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं हम देवप्रयाग। देवप्रयाग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो हमारी रिवर गंगा है वो फॉर्म होती है। रिवर गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम देवप्रयाग, जहाँ से, जहाँ पे भागीरथी और हमारी अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा आके मिली देवप्रयाग में और यहाँ पे इन्होंने रिवर फॉर्म की, जिसको अब आगे जाके बोला जाएगा रिवर गंगा। यहाँ से रिवर गंगा आगे फ्लो करेगी, बहुत सारे स्टेट से होते हुए आगे जाएगी और ये लास्ट में हमारी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। देवप्रयाग से जब ये आगे बढ़ती है तो एक जगह है जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है हरिद्वार। तो ये एक जगह है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। तो अभी तक हमने जितना भी पोर्शन ये डिस्कस किया है, दिस ऑल इज इन उत्तराखंड। ये उत्तराखंड का पार्ट है अभी तक, ये सब चीज़ें उत्तराखंड में हो रही थी। अब जो रिवर गंगा है वो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगी। नेक्स्ट स्टेट जो हमारा पड़ता है वो है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जब हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, एक जगह पड़ती है जिसका नाम है, मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा उसका, फरुखाबाद। ठीक है, फरुखाबाद में एक रिवर आती है उत्तराखंड से जिसका नाम है रामगंगा। ओके, उत्तराखंड से एक रिवर आई। उत्तराखंड में कहां से ये रिवर आती है? ये रिवर उत्तराखंड के एक वहां पे जगह है जिसको हम बोलते हैं दूधा टोली। ये पौरी गढ़वाल में है। ठीक है, ये रिवर वहां उस जगह से, फिर ये नैनीताल से होते हुए आगे जाके उत्तर प्रदेश में एंटर करती है जहाँ पे एक फरुखाबाद नाम की जगह है और वहाँ पे आके ये रिवर गंगा में मिल जाती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड से पहली ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। तो आगे जब हमने देखा, इस जगह पे एक सिटी पड़ती है कानपुर, और फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो एक जगह पड़ती है जिसको हम बोलते हैं अलाहाबाद। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाहाबाद। अलाहाबाद क्यों इंपॉर्टेंट है? अलाहाबाद इसीलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक नदी आके मिलती है जो कि गंगा के पैरेलल ही आती है ये नदी, जिसका नाम है यमुना। और यमुना आके अलाहाबाद में मिलती है रिवर गंगा में। ठीक है, तो अलाहाबाद इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो कुंभ का मेला होता है, एक अभी हमने पहले पढ़ा था कहाँ पे होता था, हरिद्वार में। हरिद्वार के बाद जो नेक्स्ट जगह पड़ती है वो अलाहाबाद है, जहाँ पे कुंभ का मेला होता है। ठीक है, तो अब हम अलाहाबाद से और आगे बढ़ेंगे तो फिर एक नेक्स्ट सिटी आएगी जिसका नाम होगा वाराणसी, इसको हमने काशी भी हम बोलते हैं। तो ये वाराणसी, अब वाराणसी में एक रिवर आके मिलेगी जिसका नाम है गोमती। नाम लिखूंगा गोमती। गोमती रिवर आके वाराणसी में मिलती है, किसमें? रिवर गंगा में आके मिलती है। और इसी रिवर पे एक
सिटी पड़ती है लखनऊ, लखनऊ कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, गोमती रिवर पे पड़ता है लखनऊ, ठीक है। तो अभी तक हमने रामगंगा देखी, यमुना देख ली है और गोमती देख ली है, ये तीन नदियां अभी तक आके मिल चुकी हैं। तो अभी तक हमने एरिया देखा वो पहले उत्तराखंड का देखा था, उसके बाद उत्तर प्रदेश का एरिया देखा, अब हम नेक्स्ट स्टेट पे ये रिवर एंटर करेगी और वो है बिहार का एरिया, ठीक है। बिहार में हम एक जगह है बिहार की जो कैपिटल है उसका नाम है एवरीवन नोज पटना, पटना। तो पटना के रेफरेंस में हम चीजें पढ़ेंगे कि कौन उससे आगे की तरफ कौन सी रिवर है और उसके पीछे कौन सी रिवर है जो उसमें रिवर गंगा में आके मिलती है, ठीक है। तो पटना से पहले एक जगह पड़ती है जिसका नाम है छपरा, छपरा में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है, घाघरा। घाघरा नदी आके मिलती है छपरा में, छपरा कहाँ है बिहार में, और घाघरा में एक नदी इधर से आती है जिसका नाम है शारदा। शारदा को सरयू भी बोला जाता है और काली नदी भी बोला जाता है। ये जो नदी आती है ये नेपाल और उत्तराखंड के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। इसके बारे में एक फैक्ट है वो ये है कि 1816 में एक सुगौली की ट्रीटी साइन की गई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स ब्रिटिशर्स और किंग ऑफ नेपाल के बीच में साइन की गई, जिसके अंडर में जो नेपाल के किंग थे उनको कुछ एरिया जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा था क्योंकि वो हार गए थे, तो ये ट्रीटी के अंडर उन्हें कुछ एरिया देना पड़ा जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल रीजन जो आज इंडिया का पार्ट है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए थे। और इसमें ये हुआ था कि नेपाल और ब्रिटिश टेरिटरी की एक बाउंड्री एस्टेब्लिश की गई। तो ये जो रिवर है ये बाउंड्री फॉर्म करती है जो इंडिया का उत्तराखंड स्टेट है और नेपाल का जो वेस्टर्न पार्ट है उसके बीच में ये बाउंड्री का काम करती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट रिवर जो है वो है रिवर सोन, सोन रिवर। सोन रिवर निकलती है अमरकंटक पीक है, अमरकंटक पीक जो कि जो मैकाल हिल्स हैं, मैकाल हिल्स, मैकाल की जो पहाड़ियां हैं एमपी में, वहां से निकलती है और ये जो पटना का वेस्टर्न साइड है वहां पे आके मिलती है, वहां पे आके रिवर गंगा को ज्वाइन करती है। तो ये राइट साइड से ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की और यहाँ पर एक ब्रिज आता है जो पटना और हाजीपुर को कनेक्ट करता है यहाँ पर ऐसे, और उसका नाम है, नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है, ये जो ब्रिज है हमारा, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, इंडिया का, और इसकी जो लेंथ है वो है 5750 meters, मीन्स करीबन आप कह सकते हैं 6 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और ये 1982 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये भी आप याद रखें। और हम अब आगे बढ़ेंगे, पटना के कुछ आगे जब हम जाते हैं वहां पे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सोनपुर, और सोनपुर में जो नदी आके मिलती है वो है, उसका नाम है गंडक, ठीक है। गंडक नदी कहां पे आके मिलती है, सोनपुर, पटना से ये जस्ट थोड़ा आगे जाके है। अब इससे कुछ आगे जाते हैं बिहार में ही ये जगह है जिस, भागलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये भी बिहार की। भागलपुर में एक जगह है जिसको हम कुरसेला बोलते हैं, भागलपुर, तो यहाँ पे एक नदी आके मिलती है जिस नदी का नाम है कोसी रिवर। ओके, कोसी रिवर कहाँ पे आके मिलती है, कुरसेला भागलपुर में। अभी तक ये जो हमने इधर से ये तीन नदियां देखी जो घाघर है, गंडक है और कोसी है, ये रिवर जो आती हैं वो हिमालयाज ऑफ नेपाल, नेपाल से आती हैं तीन की तीन रिवर। तो अब जो नेक्स्ट स्टेट आएगा वो है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ती है फरक्खा, फरक्खा से जो गंगा रिवर है वो बाइफरकेट हो जाती है, यहाँ से एक नदी इधर चली जाती है जिसको हम हुगली बोलते हैं, हुगली, और इधर से ये नदी बांग्लादेश में चली जाती है जिसमें इसका नाम हो जाता है आगे जाके पद्मा, और फिर इधर से एक नदी आके मिलती है इसको हम ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, इसमें आके मिलती है और फर्दर इसका नाम मेघना हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पद्मा और मेघना इसको कहाँ पे कहा जाता है, बांग्लादेश में कहा जाता है, और ये लेटर ऑन बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। और बे ऑफ बंगाल ये इस बीच इन ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाती है जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और ये जो जगह है ये बहुत ये फेमस है, क्यों, क्योंकि ये लार्जेस्ट
डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का, और यहाँ पर ही जो हमारे बंगाल टाइगर्स हैं वो पाए जाते हैं। अब हम जो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी देखेंगे, इधर से आती है एक रिवर, जो रिवर हुगली में जाके मिलती है, और इस रिवर का जो नाम है वो है दामोदर। दामोदर रिवर जो आती है वो कमापेत, एक जगह है कमापेत, कमापेत झारखंड में, झारखंड में एक जगह है कमापेत, वहां से आके मिलती है। और इस रिवर के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है जिसका नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू, आपने सुना ही होगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि हमारा झारखंड में ही है। तो ये उसके बीचों बीच से गुजरती है, और जो इसका ये वाला पोर्शन है, इस तरफ का पोर्शन, उसको हम कहते हैं हजारीबाग प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू बोला जाता है। और ये वाला जो पोर्शन है उसको बोला जाता है रांची प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, ठीक है। तो ये दामोदर रिवर इसके बीचों बीच से पास होती है और आगे जाके हुगली रिवर में जाके मिल जाती है। और एक और लास्ट ट्रिब्यूटरी बची है रिवर गंगा की, जिसको हम बोलते हैं महानंदा। तो ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है फ्रॉम द लेफ्ट लेफ्ट साइड रिवर गंगा की। ये वेस्ट बंगाल से ही निकलती है, वेस्ट बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग, यू मस्ट बी फेमिलियर अबाउट दिस, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से ये आगे सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है, और ये बांग्लादेश में सिर्फ 3 किलोमीटर के लिए जाती है और वापस ये वेस्ट बंगाल में आ जाती है। और वेस्ट बंगाल ये बांग्लादेश गई और ये वापस वेस्ट बंगाल में आ गई, और वेस्ट बंगाल से फिर ये बिहार में चली जाती है, बिहार में जाने के बाद ये वापस वेस्ट बंगाल में आएगी, और वेस्ट बंगाल से ये वापस बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में एक जगह है जिस जगह का नाम है गोदागिरी, गोदागिरी, और वहाँ पे नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में आता है ये बांग्लादेश में, गोदागिरी नाम की जगह है नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में, ये जाके रिवर गंगा में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर ली हैं, और उसके बाद अभी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी मैंने डिस्कस किए। बट मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो रिवर गोमती के बारे में, रिवर गोमती जो आती है, ये स्टार्ट इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह है पीलीभीत। पीलीभीत कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, और यूपी में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं गोमतताल। ये गोमतताल से, गोमतताल पीलीभीत में जगह है, वहाँ से निकलती है और फर्दर ऑन वाराणसी में जाके मिल जाती है। तो ये चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आई थिंक फ्रेंड्स, हमने सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और अब हमें जो हमारा लास्ट पार्ट है वो मेन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ट्रिक, हाउ टू रिमेम्बर दीज रिवर्स, वो हम डिस्कस करने जाएंगे अब। सो दिस इज़ द ट्रिक वाला पार्ट ऑफ रिवर गंगा। और ये जो ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे, सपोज दिस इज़ ये जो आपकी ये रिवर गंगा मैंने बना रखी है, और रिवर गंगा इस तरह से फ्लो कर रही है अगर, ओके तो ये जो इस साइड से रिवर्स आ रही हैं ये आपकी लेफ्ट, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज होती हैं, और ये इधर से जो आ रही हैं राइट ट्रिब्यूटरीज होती हैं। जो ट्रिक्स डिस्कस करेंगे वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे, अगर यहाँ से कोई रिवर आ रही है, पहली रिवर, फिर दूसरी रिवर, फिर तीसरी रिवर, सो ऑन, ठीक है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही उनको डिस्कस करेंगे, और पहले हम राइट ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टोरी विल मेक द ट्रिक। सो लेट्स सी कि जो स्टोरी है वो क्या है। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल, हर नेम इज यशोदा, एंड दीज आर हिज फादर एंड मदर। हिज फादर नेम इज राम एंड मदर नेम इज सीता। सी हैज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दे आर प्लेंटी ऑफ, ओके। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सो यशोदा अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप, ट्रिप टू आगरा। सो एज दे वर गोइंग, जैसे ही वो जा रहे थे, बोर्ड कर रहे थे ऑन बस, तो यशोदा का एक रिलेटिव आया और उसने बोला, यशोदा तुम्हारे मदर और फादर का एक्सीडेंट हो गया है एंड दे आर इन कोमा, सो आगरा देखने मत जा, ओके। अब हम इस स्टोरी को रिलेट करेंगे ट्रिक से, सो लेट्स सी द ट्रिक। फर्स्ट वी विल डिस्कस राइट ट्रिब्यूटरीज, ओके। तो अगर हम राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे फर्स्ट रिवर जो थी वो थी यमुना, देन उसके बाद जो थी वो थी सोन, देन दामोदर। सो जो ट्रिक बनी है वो है, यमुना के हम पहले दो वर्ड यूज करेंगे और बन जाएगा या, सोन के पहले दो वर्ड सो और दामोदर के पहले दो वर्ड दा। सो जो ट्रिक बनी वो क्या बनी,
यशोदा, ठीक है। नाउ वी कम टू द लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। सो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में जो पहली रिवर थी वो थी रामगंगा, देन गोमती, देन शारदा, शारदा को जिसको हम काली नदी या सरयू नदी भी बोलते हैं, शारदा। शारदा के बाद जो नेक्स्ट थी वो घाघरा, घाघरा, देन गंदक, गंदक के बाद कोसी और एट लास्ट महानंदा। इसके लिए हमने रामगंगा का राम यूज किया, गोमती का जी, शारदा का एस यूज करके हमने सीता बना लिया, घाघरा का जी यूज किया और इसको जी ही लिखा, गंदक के लिए हमने लिखा गए, कोसी के पहले दो वर्ड यूज करके को और महानंदा के मा और एट लास्ट एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हमने मैं। तो देखिए ट्रिक क्या बनी, राम जी सीता जी गए कोमा में। ओके फ्रेंड्स, बट द प्रॉब्लम विच अराइज इज यहाँ पे तीन ऐसी रिवर्स हैं जो जी से स्टार्ट होती हैं, गोमती, घाघरा एंड गंदक। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो, तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन बनाया है। देखिए क्या सॉल्यूशन है, हमने लिख लिया गोमती, घाघरा एंड गंदक। तो गोमती के एंड में देखिए क्या है, मती, मती को हमने लिखा मत, घाघरा के एंड में क्या है आगरा, तो हमने लिखा आगरा, और गंधक के एंड में क्या है धक, तो हमने धक को बना दिया देख। तो क्या बना, मत आगरा देख। ओके, गोमती के लिए मत, घाघरा के लिए आगरा, गंधक के लिए देख। तो अब फ्रेंड स्टोरी से रिलेट करिए पूरी की पूरी ट्रिक को। मैंने क्या कहा था, देखिए फिर से ये पोर्शन देखिए क्या आया, यशोदा, राम जी सीता जी गए कोमा में, मत आगरा देख। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और औरों को भी बताएं कि अगर आपको ये लगता है कि दिस इज़ बेनिफिशियल तो औरों को भी ये इन्फॉर्मेशन दें अबाउट दिस चैनल, और आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आप हमसे चाहते हैं, उसके बारे में हमें आप एडवाइस कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में नीचे। ओके, और इन फ्यूचर आई विल बी कमिंग विद मैनी मोर ट्रिक्स, बिकॉज दिस इज़ द थिंग आई लाइक द मोस्ट। मैं हर चीज़ की ट्रिक बना के ही मैंने पढ़ाई की अपनी जो भी की है, तो आई होप आपको भी हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।